बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय अरुण सिंह जी, आदरणीय अनिल बलूनी जी, यहाँ मीडिया के सभी साथीगण। मेरे लिए यह बहुत ही गौरव और गर्व का क्षण है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को, गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, और जिनके हाथों से आज मैंने सदस्यता ग्रहण किया, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मुझे आज यहाँ उन्होंने सदस्यता ग्रहण करवाया। और मैंने इसलिए अपना बताया कि गौरव की बात है कि आज आप देखिए विश्व की सबसे बड़ी आबादी का देश भारतवर्ष है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष है, और इस भारतवर्ष में सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो राजनीतिक दल है, वो भारतीय जनता दल है, भारतीय जनता पार्टी है। और इसकी सदस्यता ग्रहण करने में सचमुच अपने आप में गौरव महसूस होता है। और जितनी बात कह रहे थे अभी धर्मेंद्र जी, अभी मैं सुन रहा था, रोज मैं सुनता रहता हूं, आज भी आप सुनते रहते हैं, जो हमारे पहले नेता थे वो क्या बोलते हैं कि देश में कोई काम नहीं हो रहा। हमने कई बार उनको आईना दिखाने की कोशिश की कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो नीतीश बाबू ये बताएं कि आज भारतवर्ष दुनिया में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये कैसे हुआ? ऐसे तो नहीं हुआ। आज अभी मैं आया यहां, उसके पहले मैं देखा मुंबई में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, गए किस काम के लिए? जरा सोचिए कि देश कहां चला गया और बिहार आज भी कहां। पहले क्या बात करते थे वो, जब भी उनके पास जाइए कहेंगे मैं बिल्कुल क्राइम के खिलाफ हूं, करप्शन के खिलाफ हूं। उनको सी शब्द से बड़ा प्रेम रहता है, लेकिन सी से चेयर भी होता है, तो कुर्सी के लिए ही आजकल सब काम में लगे हो। आप बिहार में चले जाइए साहब, बता रहे थे धर्मेंद्र जी कितनी मेहनत की गई थी जब 2005 में सरकार बनी थी एनडीए की, किस प्रकार से वहां कानून का राज स्थापित किया गया था, किस प्रकार से सब व्यवस्था की गई थी। और आज बिहार में जाइए, सब तार कतार हो गया, 2005 से भी बुरी स्थिति है। होगी कैसे नहीं साहब, आप एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए पूरे देश में जो तीन दिन में तीन प्रदेश में है, एक दिन उड़ीसा में, दूसरे दिन झारखंड में, तीसरे दिन महाराष्ट्र में, किस काम के लिए है? बिहार की जनता ने उनको मैंडेट दिया था बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे, बिहार में जो बेरोजगारी है उसको खत्म करेंगे, बिहार के जो बेरोजगार नौजवान उनको नौकरी देंगे, और आप लगे हुए कहां हैं? कहते हैं साहब मैं तो सबकी एक एकजुटता कर रहा हूं, विपक्षी एकता कर रहा हूं। नीतीश बाबू आप बार बार इतिहास की बात करते हैं, इतिहास भूलिए मत। हमेशा जब भी ये लोकसभा का चुनाव आता है, 2019 को याद कर लीजिए, उस समय भी साहब विपक्षी एकता की बात चली थी। 2019 में आप देखिए यूनाइटेड इंडिया करके रैली कितनी बड़ी बड़ी हुई थी, लेकिन आप क्या एकता करिएगा? आपका नेता कौन है? बिना नेता को एकता होता है क्या? नेतृत्व कौन करता है? और इस देश का जरा दुर्भाग्य देखिए साहब, जब 1989 के बाद से देखिए 2004 तक कितने प्रधानमंत्री हुए, कितने वर्षों में देश की स्थिति क्या हो गई, देश का सोना भी बाहर गिरवी रखना पड़ा था। और आज भारत G20 का प्रेसिडेंट है, मैंने जैसे पहले भी कहा पांचवीं आर्थिक व्यवस्था पावर है, और प्रधानमंत्री जी ने इस देश की एक पहचान दुनिया में दिया है, तो यह गौरव का सबके लिए विषय है। लेकिन किस काम में लगे हुए? बिहार को आगे नहीं ले जाना है, बल्कि जो मैं बार बार कहता हूं कि लोग उनको बोल देते हैं पीएम, तो मैं इस बात को कहा था कि नीतीश बाबू अब पीएम थे, पीएम हैं और पीएम रहिएगा। लेकिन पीएम का मतलब क्या होता है? पी मतलब पलटी, एम मतलब मार, पहचान क्या बनी है बताइए साहब? कितने बार आपने विश्वासघात किया है? तो ऐसे साहब
समाज का और देश का कल्याण नहीं होता है। तो मैंने इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मैंने तय किया कि मैं उस पार्टी का, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था बिहार में, उस पार्टी को मैंने गांव गांव तक पहुंचाया, जितने बूथ है वहां तक पहुंचाया। आज क्या स्थिति है, सब जितने कार्यकर्ता हैं सब हमसे पूछते हैं सर कुछ निर्णय लीजिए। आज निर्णय हुआ है, आप देखिएगा बिहार में नीतीश बाबू का कुछ नहीं बचेगा जी, अपने रहेंगे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और जिसको मैं भुंजा पार्टी कहता हूं वो रहेंगे। बाकी सारा का सारा बिहार चाहता है कि केंद्र में जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं उसी प्रकार से बिहार में भी काम हो। अब वो बताते हैं कि साहब गरीब को कोई काम नहीं होता। भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में तो गांव में रहता हूं, इस्तीफा देने के बाद अपने गांव में रहता हूं, किसी समाज का हो किसी धर्म का मानने वाला हो सबके खाते में 6000 रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सबको महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये क्या है नीतीश बाबू, ये साधारण उपलब्धि है। तो इसलिए साथियों इन सब चीजों को देखते हुए मैंने सोचा कि जब आप फिर से वहीं पहुंच गए हैं, फिर से जिनके इनका क्या था, नीतीश बाबू का पूरा वजूद क्या था, इन्होंने संघर्ष के खिलाफ किया था आरजेडी खिलाफ और आज उन्हीं गोद में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं आजीवन वहीं रहना है, तो मेरे ऐसा व्यक्ति के पास आस्था क्या था। मैंने 6 अगस्त को इस्तीफा दिया था और आज 11 मई को मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बस भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा मुझे ताकत दें और मैं पूरी अपने सामर्थ्य के साथ इस दल की, इस देश की और प्रदेश की सेवा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।